दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल लैंड 2 के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इसलिए उसे भी एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मोटू को दिखाते हैं जो अब सीओ को छोड़ करके वांगडोंग के पीछे जाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि सीओ अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल से उसे पीछे नहीं जाने देती है और लगातार उसे आगे बढ़ाने से रोकने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोटू अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा करके पीछे जाने की कोशिश करता है, जिसे सीओ तुरंत पीछे भाग करके उसे अपने गोल्डन ट्राइपॉड से रोक देती है। इधर हुआ युहाओ भी समझ गया होता है वांगडोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल सेकंड सोल स्किल का एक साथ इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन ऐसा करने की वजह उसकी सोल पावर तेजी से कम हो रही है। इधर मोटू सीओ की वजह से परेशान हो गया होता है और गुस्से में अपने थर्ड सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए सीधा सीओ की तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उसके थर्ड सोल स्किल के बावजूद भी सीओ अपने फुल कैपेसिटी के गोल्डन ट्राइपॉड से उसे 15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सीओ के फिजिकल एबिलिटी कमजोर होने की वजह से उसकी हालात खराब होने लगती है। इस तरफ हुआ युहाओ पीछे से चिल्ला रहा होता है, वो देख रहा है कि सीओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसको छोड़ देने को कहता है, लेकिन सीओ इसको छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। वो वांगडोंग को पूरा समय देना चाहती है। सीओ के उंगलियों से खून आना शुरू हो जाता है। वांगडोंग यहाँ अपने परमिशन को तैयार करने ही वाला होता है और तभी एक धमाका होती है जो कि मोटू को वहाँ से उठाकर नीचे जमीन में पटक देती है। हम देखते हैं वांगडोंग का फॉर्मेशन तैयार हो चुका होता है। वांगडोंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म ले लिया होता है, जिसको देखकर मोटू की भी हालत खराब हो गई होती है और वांगडोंग की ऐसी पावर को देखकर मास्टर्स भी हैरान हो गए होते हैं और तारीफ करने लगते हैं कि एक फ्रेश मेंस में ऐसी स्किल सोल ब्रांच के मास्टर इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। जिसके बाद वांगडोंग अपना हमला करता है और अगर यह अटैक इसके ऊपर लगा तो इस बंदे की जान चली जाएगी, इसीलिए रेफरी तुरंत ही दौड़कर आती है और आकर मोटू को बचा लेती है। तभी यहाँ आउटर कोर्टयार्ड के सोल ब्रांच के मास्टर आकर वांगडोंग के उस अटैक को रोक लेते हैं। हम लोगों को अटैक के पीछे उनके बीस्ट की परछाई दिखाई देता है। वांगडोंग खुद अपने इस अटैक को देखकर सरप्राइज है, जिसके बाद हम लोगों को रेफरी का आवाज सुनाई देता है जहां पर वो इन लोगों के जीत का अनाउंसमेंट करती है। पर इस खतरनाक भरे मंजर को देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। इस तरफ हुआ युहाओ दौड़कर अपने टीम के पास आता है। सीओ की सोल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई होती है और वो एकदम बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी इसी जोश में पटाखे फूटने लगते हैं। इन लोगों के जीत का सेलिब्रेशन होता है, आखिरकार इन लोगों ने अपनी जी जान लगाकर इस मैच को जीता है। इस तरफ टीचर भी यह नज़ारा देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं मिस्टर डू टीचर से कहता है, कांग्रेचुलेशन, आपके दो स्टूडेंट जीत को हाजिर करने में सेलेक्ट हो गए हैं। ये बात सुनकर टीचर एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि सिर्फ दो तो हुआ युहाओ का क्या होगा। तो फिर मिस्टर डू उसकी बात को काट देता है, कहता है इसके बाद आप मुझे इन दोनों स्टूडेंट्स की रिपोर्ट को भेजना, मैं इन लोगों को आउटर कोरिटार्ड में कोर डिसाइप के लिए क्वालिफाइड घोषित करता हूँ। इस पर टीचर कहती है, मिस्टर डू ये क्या कह रहे हैं, हुआ युहाओ इन लोगों का टीम का कैप्टन है, ये लोग एक टीम के मेंबर है, आप एक टीम में सिर्फ दो को सिलेक्ट करके एक को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जिस पर मिस्टर डू कहता है, टीचर उस सोल मास्टर जिसकी वन सोल रिंग है वो काफी ज्यादा वीक है, हाँ मैं जरूर मानता हूँ हुआ युहाओ एक रेयर सोल मास्टर बनेगा, इसकी बहुत ही रेयर स्पिरिट एट्रिब्यूट है, पर ये लड़का यार्ड में जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उसकी ग्रोथ ग्रेट सोल मास्टर जैसी नहीं हो सकती है। अब इसकी यह बात को सुनकर टीचर काफी ज्यादा सैद हो जाती है। भी यह नोटिस करी थी हुआ युहाओ की पावर काफी ज्यादा रेयर है, पर इसके वजह से इसकी प्रोग्रेस की रेंज काफी ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन तभी हम देखते हैं फैन यू वहाँ पर आ जाते हैं। वो मिस्टर डू से कहते हैं, ठीक है अगर आप हुआ युहाओ को अपने सोल ब्रांच में नहीं लेंगे तो मैं उसको अपने सोल स्पिरिट वेपन में ले लूंगा। मिस्टर फैन यू की बात को सुनकर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब फैन यू कहते हैं, टीचर आप चिंता मत करिए, मुझे आपके टेस्ट पर भरोसा है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैंने अभी उस बच्ची के परफॉर्मेंस को देखा है, क्या दिक्कत है अगर उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे सोल गाइड स्पिरिट वेपन्स का एक एक्सलेंट स्टूडेंट बनेगा। तब फिर टीचर इन दोनों से ये कहती है, प्लीज आप ये बात को किसी को भी पता मत चलने दीजिएगा कि मैंने इस लड़के के लिए आप लोगों को इतना कुछ कहा, नहीं तो वो लोग सोचने लगेंगे कि मैं इस लड़के के लिए ज्यादा सोच रही हूँ।
जिसके बाद फिर मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर टीचर कहती है आप मुझे बस और 3 साल दीजिए, मैं इस लड़के को टीच करके इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। सबसे पहले मैं इसको सारे बेसिक सिखा दूंगी, जिसके बाद फिर आप चेक करना कि क्या हुआ युहाओ आपके सोल गाइड ब्रांच में कोर डिसाइप बनने के लिए क्वालिफाइड है। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बांध लेती कहती है मार्शल सोल स्कूल ने हुआ युहाओ को अपना कोर डिसेबल लेने से रेफ्यूज कर दिया। मुझे विश्वास है फ्यूचर में वो लोग जरूर अपने इस डिसीजन के लिए पछताएंगे। जिसके बाद टीचर वहाँ से सीओ के पास चले जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों ही जमीन पर गिरे पड़े बेहोश होते हैं। तभी यहाँ पर टीचर आती है, हुआ युहाओ को बताती है वोंगडोंग बिल्कुल ठीक है, बस वो अभी बहुत ही ज्यादा थक गया है और सीओ के सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वो लड़की अपने आप को काफी ज्यादा फोर्स किया, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई है। मुझे लगता है सीओ को रिकवर करने में अब कुछ समय लगने वाले हैं। लेकिन फिर वोंगडोंग और हुआ युहाओ को भी कहती है जाओ अब तू लोग भी घर चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, तुम लोगों की स्ट्रेंथ का कल की मैच के लिए रिकवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर हुआ युहाओ इन लोगों की कंडीशन को देखता है और फिर खुद में बोलने लगता है ठीक है फिर कल के मैच के लिए मैं खुद ही ओपोनेंट टीम से लड़ूंगा, मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन इसकी यह बात को सुनकर वोंगडोंग उठ जाता है और कहता है कि हुआ युहाओ तुम क्या कह रहे हैं, हम लोग एक है, मैं तो फ्यूजन हो गई है और हम लोगों को नेक्स्ट मैच सीओ के लिए जीतना ही होगा। हुआ युहाओ भी वोंगडोंग की बात को मान जाता है और वो लोग दोबारा से उठकर हाथ मिला लेते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, वो लोग अपने रूम में आ गए होते हैं। यहाँ पर ये दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग करने में लग गए होते हैं, अपनी पावर को रिकवर करने के लिए, अपनी टेक्निक से अपने बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हुआ युहाओ से हमें पता चलता है कि इन लोगों की फ्यूजन की वजह से इन लोगों की रिकवरी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। हुआ युहाओ वोंगडोंग से कहता है हम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा, कल का मैच हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल सेमीफाइनल राउंड है, हम लोगों को कल के मैच से पहले अपने पावर को टोटल रिकवर करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दोपहर हो चुकी है, इन लोगों का मैच का समय हो गया होता है। यहाँ इन लोगों की अपोनेंट टीम इन लोगों के सामने होती है और हुआ यू होती है, पर दोबारा से एक बार सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को फाइट के बाद का समय शाम के समय को दिखाया जाता है, जहाँ अभी हुआ युहाओ एक टावर के ऊपर छत बैठा हुआ होता है, इस पूरी जगह को देख रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन भी कर रहा होता है और तभी अपनी मॉम को याद करता है, मॉम आप देख रहे हो ना मैं अब एक रियल सोल मास्टर बन चुका हूँ, मैं इस कॉम्पिटिशन में टॉप 4 में पहुँच चुका हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ। और फिर हम लोगों को इनके पिछले मैच को दिखाया जाता है जहाँ से सीन शिफ्ट हुआ था। दोस्तों हम देख सकते हैं हुआ युहाओ इस मैच को जीत गया था, इसीलिए अब वो लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके होते हैं। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग हुआ युहाओ को देखते हैं जो कि खड़ा होता है, अपनी मॉम से कह रहा होता है मैं ऐसे ही अपने आप को और सतत ताकतवर बनाऊंगा और मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, इतना ज्यादा ताकतवर कि फिर मैं आपके साथ हुए अन्याय का बदला लूंगा। फिर यह सीन शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भी क्वालिफाइड स्टूडेंट से एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर डू भी शामिल होते हैं और सबसे पहले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के नेक्स्ट गेम को मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा, आशा करता हूँ आप मुझे अपनी पावर से सरप्राइज करोगे। जिसके बाद वो अपने अपोनेंट चूज करने के लिए ड्रॉ करवाते हैं, सभी कैप्टन अपने अपने दिए हुए रिंग को रोल करते हैं, हुआ युहाओ को 2 नंबर मिलता है और अब इसकी ओपोनेंट डिसाइड करने की बारी, जहां हम देखते हैं हुआ युहाओ के ओपोनेंट टीम दाई हुबिंग को डिसाइड करा जाता है, जिसको सुनकर हुआ युहाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में खाने लगता है, ये तो वही है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको ऐसे मिलूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से एंड हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।